हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर के टॉप 40 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वो भी शेयर जरूर करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। दो नंबर क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, CDSDSE ने सुपर कंप्यूटर है जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका विकास किया था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। तीन नंबर क्वेश्चन है, इनमें से तेज कौन सा है? तो वो रजिस्टर सबसे तेज है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। चार नंबर क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENISC को बनाया था? तो प्रोफेसर एकर्ट जॉन मोसले ने सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENISC को बनाया था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। पांच नंबर क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो प्रिंटर की एक किस्म का है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। छह नंबर क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या है वो कितनी होती है? तो 12 फंक्शन की संख्या होती है, कीबोर्ड के ऊपर की साइड में होती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। सात नंबर क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोल में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है? तो लाइन प्रिंटर के द्वारा केवल एक स्ट्रोल में एक ही अक्षर है वो प्रिंट किया जाता है। आठ नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है वो नहीं है? तो जो मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला नौ नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर, आपको पता होगा कि लेजर प्रिंटर है उसकी गति सबसे तेज है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। दस नंबर क्वेश्चन है, LCD का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड क्रिटिकल डिस्प्ले, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? तो मॉनिटर है, जो भी हम कार्य कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो मॉनिटर हमें प्रदर्शित करता है, यानी मॉनिटर हमें दिखाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। बारह नंबर क्वेश्चन है, गेम खेलना किसे आसान होता है? तो जॉयस्टिक के द्वारा गेम खेला जाता है, सी ऑप्शन इसके करेक्ट रहेगा। तेरह नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट एल्ट को कौन सी कुंजी बोली जाती है? तो मॉडिफायर, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट कुंजी है कंट्रोल शिफ्ट एल्ट, जिनको मॉडिफायर कुंजी बोली जाती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। चौदह नंबर क्वेश्चन है, अधिकांशतः प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? यानी दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर लाइनें दी गई होती हैं, एक डब्बा सा लगा होता है उसे बार कोड है वो बोला जाता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बार कोड्स। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन है वो एक आउटपुट डिवाइस है, वो नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर है तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो फ्लॉपी डिस्क है वो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनोलिक के द्वारा है वो मॉनिटर के जो डिस्प्ले का आकार है उसको मापा जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो स्कैनर है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोरेज होता है, उसे क्या बोला जाता है? बी ऑप्शन यानी रैम बोला जाता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है? तो B3 है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो एक मुख्य मेमोरी है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, न कि बाहरी, सहायक, भीतरी, ये नहीं होगी, मुख्य है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो PRAM है, वो एक रैम नहीं है। अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो CSCH है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, इंटरनल स्टोर प्राइमरी स्टोरेज। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम के अंदर जो भी डाटा होता है वो लाइट जाने के बाद है वो समाप्त हो जाता है, और रोम के अंदर है वो नहीं होता है, तो रैम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन है, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो मैग्नेटिक है वो सबसे कॉमन प्रकार की है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, CD से आप क्या कर सकते हैं? तो पढ़ और लिख सकते हैं हम CD से, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है वो डिजिटल जो ऑप्टिकल डिस्क है उसका एग्जांपल है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो वो है माइक्रो प्रोसेसर। 34 नंबर क्वेश्चन है,
डीवीडी का उदाहरण क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्क है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? तो प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज है, ये सभी बोला जाता है। तो इस डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ये सभी। 34 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो फॉर्मेटिंग है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो रैम है वो नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है सेकेंडरी में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, डीवीडी है वो क्या है? तो वो एक डिजिटल वीडियो डिस्क है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो वो करता है एएलयू, जो सीपीयू के अंदर होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो। वीडियो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, वो भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर।